आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि प्रोपेन के विभिन्न डाई हेलोजन व्युत्पन्नों की संरचना यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर हमें प्रश्न में प्रोपेन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रोटीन के डाई हेलोजन व्युत्पन्न की संरचना हमें बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले हमारे जो हेलोजन तत्व है। ठीक है, हेलोजन तत्व में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसा कि आता है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारे हेलोजन तत्व में आते हैं। ठीक है, क्लोरीन, ब्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सभी हमारे हेलोजन तत्व में आते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, डाई हेलोजन के व्युत्पन्नों की संरचना हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, यहाँ पर हमें डाई हेलोजन के व्युत्पन्नों की संरचना हमें यहाँ पर बतानी है। तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर संरचना को देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर कितनी संरचना बनेगी प्रोपेन की, ये हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा प्रोपेन का जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, प्रोपेन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, सामान्य सूत्र हो जाएगा हमारा CH3CH2CH3, ये होता है दोस्तों हमारे प्रोपेन का सामान्य सूत्र। ठीक है, दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे डाई हेलोजन में हमारे ये सभी तत्व आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर एक तत्व को यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, क्योंकि सभी में क्या होगी, संरचना हमारी समान होगी। तो मैं यहाँ पर दोस्तों ब्रोमीन को यहाँ पर ले लेता हूँ कंसीडर। ठीक है, अगर हम ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, या फिर आयोडीन भी ले सकते हैं। ठीक है, उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल हमारे जो हेलोजन तत्व है वही वहां पर क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब एक एक करके मैं यहाँ पर संरचना लिखता हूँ। ठीक है, सबसे जो पहली व्युत्पन्न संरचना जो बनेगी वो किस तरह से बनेगी, हमारी सीधी श्रृंखला के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो हेलोजन तत्व है क्या होते हैं, अणु के रूप में होते हैं। तो BR के दो परमाणु जुड़ेंगे, वो कहाँ जुड़ेंगे, ये इस जगह पर जुड़ जाएंगे अंतिम कार्बन के साथ और यहाँ पर पहले कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पहले व्युत्पन्न की संरचना। दूसरी जो हो जाएगी वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा CH2। ठीक है, इसके साथ हमारा BR समूह जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये वाला जो BR समूह है ये हम मध्य वाले कार्बन के साथ जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा CH, इसके साथ हमारा संरचना जुड़ गई BR, ये रहेगा हमारा CH3। ठीक है, तो ये होगी दूसरी संरचना। तीसरी हमारी किस तरह से बनेगी, ये हो गया हमारा CH, इसके साथ हमारा BR समूह जुड़ा था, एक और हम BR समूह इसी में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और BR समूह हमने जोड़ लिया, ये हो जाएगा हमारा CH2, ये हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, तो ये होगी तीसरी संरचना। चौथी जो हमारी बनेगी वो किस तरह से बनेगी, ये हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, यहाँ पर हमारा बच गया कार्बन, इस कार्बन के साथ हम क्या जोड़ लेते हैं, दो BR समूह इसी कार्बन के साथ जोड़ लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारा CH3। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर चार संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।